आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। प्रश्न है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो प्रश्न में दिया गया है नैतिक मूल्य। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि नैतिक मूल्य क्या होता है। तो नैतिक मूल्य सच्चाई कोमा मित्रता कोमा ईमानदारी कोमा सम्मान कोमा सेवा कोमा आदि नैतिक मूल्य होते हैं। नैतिक मूल्य होते हैं। तो बच्चों में नैतिक मूल्य को कैसे विकसित किया जा सकता है, यह हमें बताना है। तो पहला विकल्प दिया गया है, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। तो यह विकल्प इस प्रश्न के लिए गलत है, क्योंकि बच्चों को प्रातःकालीन सभा में उपदेश तो दे सकते हैं, लेकिन उन उपदेशों की वो पालना करें या न करें, यह बच्चों पर निर्भर करता है। जिससे कि उनके जो नैतिक मूल्य है वह उनमें विकसित होंगे या नहीं होंगे, यह बच्चों पर निर्भर होगा। इसीलिए यह जो तरीका है वह गलत है। इससे उनमें नैतिक मूल्य है वह विकसित होने पूर्णतः परिणाम नहीं मिलता है। दूसरा विकल्प दिया गया है, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। तो विद्यार्थी है उनके सामने यदि नैतिक मूल्य से संबंधित कोई एक परिस्थिति रख दी जाती है, अर्थात उन्हें या उनके सामने एक 50 रुपए का नोट गिरा दिया जाए और अनजान बनकर थोड़ा आगे निकल जाए, फिर यदि बच्चे उन्हें उठाकर देते हैं तो यह उनके नैतिक मूल्यों का ही उदाहरण होगा, क्योंकि वह होगा उनकी ईमानदारी। तो यदि उन पर बच्चे निर्णय लेंगे और ऐसी परिस्थिति उनके सामने रखेंगे तो बच्चे उन पर निर्णय लेंगे तो उनसे उनके जो नैतिक मूल्य है उनका अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए जो प्रश्न है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दो। तीसरा विकल्प दिया गया है, शिक्षक व बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। तो शिक्षक व बड़ों द्वारा जो नैतिक मूल्य है उनको प्रदर्शित करने मात्र से ही बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उन्हें नैतिक मूल्य सिखाएंगे ही नहीं तो उनमें नैतिक मूल्य विकसित कैसे होंगे। इसीलिए यह विकल्प भी गलत है। विकल्प चार दिया गया है, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच में अंतर सिखाना। तो विद्यार्थी है वह नैतिकता और अनैतिकता दोनों के बीच में अंतर बताएंगे, तो उनमें से कौन सा चुनते हैं यह विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पर हम उनके जो नैतिक मूल्य है उनका आकलन नहीं लगा सकते हैं, अर्थात उनके जो यदि हम उनके जो नैतिक मूल्य है उनका आकलन नहीं लगा पाएंगे तो उन्हें विकसित कैसे कर पाएंगे। इसीलिए यह विकल्प भी गलत है। तो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, उपयुक्त विकल्प है विकल्प दो, कि विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। यदि ऐसी परिस्थितियां रखी जाएंगी और उन पर निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा तो उनके जो नैतिक मूल्य है उनका हमें आकलन हो जाएगा और उन्हें विकसित करने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए प्रश्न के लिए सही उत्तर है विकल्प दो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।